हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में। लोग बाग कहते हैं झाड़ू को इस दिन खरीदो करोड़पति हो जाओगे, झाड़ू को ऐसे रखो करोड़पति हो जाओगे। सब बातें ठीक है, परंतु झाड़ू कैसे लगानी चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी भी अच्छे मुहूर्त में झाड़ू खरीद लो, कुछ भी कर लो, आप अगर झाड़ू सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो आपको वांछित परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेगा। झाड़ू क्या करती है अपने घर में? सफाई तो करती है, सफाई तो घर की हो गई, परंतु पूरे मकान को साफ करने के बाद भी घर में कलह रहती है, क्योंकि साफ सफाई तो एक्चुअल में लोगों के दिमाग की होनी चाहिए। घर को तो आपने साफ कर दिया, दिख भी रहा है साफ हुआ हुआ, परंतु दिमाग में वही है, वही घर में कलह का वातावरण है। लोग बाग एक दूसरे, एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के लिए नकारात्मक सोच रहे हैं, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आए, वो एक दूसरे से प्रेम करें, परिवार में एकता का माहौल हो, इसके लिए झाड़ू को लगाने का तरीका सही होना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं चलो झाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं आप और आपके दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती है। आप सोचते हैं सारा ही काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है, पड़ोस वालों के तो देखो नौकरानी आती है वो झाड़ू लगा देती है, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। फिर आप हर व्यक्ति से, जो भी परिवार का सदस्य है, उनकी शिकायतें मन में सोचते सोचते झाड़ू लगाते हैं। आज इसने ऐसे कह दिया, इसको तो आज मैं बताऊँगी, आज इसको ऐसे बोलना है, इसने आज ऐसे बोला तो मैं ऐसे जवाब दूंगी, आज आज तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी सिखाऊंगी, या ये कुछ करता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, इसका कोई ध्यान पढ़ाई में नहीं है, ये आउट ऑफ लाइन जा रहा है, ये पति मेरी सुनते नहीं है, ये कभी मेरा कहना मानते ही नहीं है। इस प्रकार का विचार आपके दिमाग में कंटिन्यूस चल रहा है और आप झाड़ू लगा चुके हैं, तो आपने घर के अंदर पूरी नेगेटिविटी फैला दी। मकान साफ हो गया, पर आपने जो विचारों का जो फ्लो करा है या विचारों का जो बिखराव पूरे मकान में किया है, वो बहुत जल्दी कैच होता है दूसरों के द्वारा। जो विचार होते हैं ना, वो बहुत स्पीडली ट्रेवल करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आपको जब भी झाड़ू लगाओगे, ऐसे नेगेटिव विचार रखोगे, तो कभी भी आपके घर में पॉजिटिविटी, सक्सेस, हंसी खुशी का माहौल नहीं रहेगा, क्योंकि आप नकारात्मक बातें सोचते सोचते लगा रहे हैं। कितने भी अच्छे मुहूर्त में झाड़ू ले आओ, कितने भी बढ़िया ले आओ झाड़ू, पूजा पाठ भी कर लो झाड़ू के, कुछ भी नहीं होगा अगर आप इस टाइप से झाड़ू लगाते हैं। आपको अपना दिमाग शांत रखना है, कुछ भी अच्छी बातें सोचनी है जो आप चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं बच्चे पढ़ने लग जाएं, पति आपका सही लाइन पे रहे, तो आपको बस यही विचार करके भी झाड़ू लगाना है, मेरा पति बिल्कुल सही है, वो मेरी एक बात मानता है और वो बहुत अच्छी तरह से परिवार को संभाल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, वो पढ़ाई करते हैं, आज भी अभी उठ के पढ़ाई करेंगे, मेरे बच्चे सही हैं, गलत लाइन में नहीं हैं, परिवार में हमारा मान सम्मान है और हम सब लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं, हमारे परिवार में एकता है। बस इसी चार पांच विचारों को आप मंथन करते हुए लगातार, इन्हीं विचारों को लगातार सोचते रहें और सारे मकान में झाड़ू लगा दें। आपका दिमाग खुद ही, पहले बात सबसे पहले तो आपका दिमाग सही हो जाएगा। इस टाइप से सोचने से पहला प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा कि आपका दिमाग सही हो जाएगा। कुछ समय के बाद, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि पूरे परिवार के लोगों का ही दिमाग सही हो गया है, क्योंकि आपने लगातार कंटिन्यूस अच्छे विचार भेजे हैं और अच्छे विचार उनके द्वारा रोज़ ट्रेवल करके पहुंच रहे हैं उनके पास ही। क्योंकि एक व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है और आपकी एनर्जी उनके पास जाती है। पॉजिटिव भेजो और पॉजिटिव रिजल्ट देखो, ये सही तरीका है झाड़ू लगाने का। अगर आपकी नौकरानी घर में आती है और आपने झाड़ू नहीं लगाते, नौकरानी लगा रही है सपोज झाड़ू, नौकरानी घर पे अपने पति से लड़के आई है, दूसरे मकान में काफ़ी सारा काम था, मेहमान आए हुए थे, वहाँ काम करके यहाँ आई है, तो वो बड़ी परेशान है, वो इसी टाइप के विचार करते हुए झाड़ू लगा के यहाँ से भी चले जाएगी और आपके घर में वही एनर्जी छोड़ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि कोई भी नौकरानी आपके घर में आए, उसका स्वागत अच्छी तरह से करें, ताकि उसकी आधी थकान और आधी परेशानी दूर हो जाए, उसको प्रॉपर मान सम्मान दें ताकि वो संतुष्ट होकर झाड़ू लगाए। इस टाइप से करने से नौकरानियों से भी काम लेने का एक तरीका होता है, उसको ध्यान रखें
कि नौकरानी अपनी नेगेटिव घर परिवार की एनर्जी हमारे घर में न छोड़ के जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप तो झाड़ू लगाओगे, चाहे आपका एक ही कमरा हो चाहे आपका कितना ही बड़ा मकान हो, आपके घर में सुख शांति रहेगी और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।